अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें ही आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सही समझ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो किसी भी उम्र का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हालांकि अगर आप जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मतलब कुछ महीने के अंदर ही अगर आप उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको कुछ फीस नहीं लगता है, लेकिन बाद में कुछ आपको 20-40 रुपया से लगता है, बहुत नहीं लगता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में ही जाके उनको अप्लाई करना होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको वहाँ पर थोड़ा सा चक्कर लगाना होता है, डॉक्टर को थोड़ा सा घूस देना होता है, उसके बाद करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही आराम से फ़ोन में बैठ के ही बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ अपने ही मोबाइल स्क्रीन में। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा सर्विस प्लस, तो नीचे आ जाएगा serviceonline.gov.in। इसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी इस पेज पर आ सकते हैं। एक बार इस पेज पर आ जाएंगे तो आप फ्री में, वैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, प्लस टू मार्कशीट, ये सब कुछ आप फ्री में भी अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर में ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मेनू का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास इसका आईडी नहीं है तो आईडी क्रिएट करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को फिल करना होगा। आपका फुल नेम यहाँ पर डालना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है, आपको एक पासवर्ड सेट करना है, आपका स्टेट को यहाँ से आपको चूज़ करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डालना है और सबमिट करेंगे तो OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट 2 मिनट में बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा लॉगिन आईडी, आपका यूजर नेम जो होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा याद रखिए। इसके बाद पासवर्ड जो आप चूज़ करेंगे उसको यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे मैं लॉगिन किया अपना पेज खुल चुका है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेफ्ट में देखिए थ्रेड लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रिपीट दिख रहा है, आप देख सकते हैं। थीम लैंग्वेज तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है, मैनेज प्रोफाइल है, इसके बाद है अप्लाई सर्विसेज है, तो आपको क्लिक करना है सेकेंड वाले में। इसके बाद देखिए नीचे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा जो भी अवेलेबल सर्विस होगा, आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके। कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, इनकम है, लेकिन हमको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट को चूज़ कर लेना है कि कौन सा स्टेट में आप रहते हो। स्टेट को चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे BIRTH, बस आपको अभी सर्च पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल किया हूँ तो सारे स्टेट का आ जाएगा। अगर आप अपने स्टेट में नाम यहाँ पर डालेंगे तो अपने ही स्टेट का यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ एक लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालना है वो चाइल्ड का, इसके बाद सेक्स डालना है मेल या फिर फीमेल, नेम ऑफ चाइल्ड उसका नाम अगर वो हो चुका है नामकरण तो यहाँ पर नाम डालेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद नीचे नेम ऑफ फादर, उसका फादर नेम डालेंगे, फादर का UID नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर डालेंगे, माँ का नाम डालेंगे और माँ का आधार कार्ड नंबर डालेंगे, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट का एड्रेस क्या है यहाँ पर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस जो कि आधार कार्ड में मौजूद है यहाँ पर डालेंगे, कंट्री एड्रेस लाइन 2 में कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी दिक्कत नहीं। इसके बाद स्टेट डालेंगे, एड्रेस फिर से डालेंगे अगर आपके पास कुछ ज़्यादा लिखना होगा तो, नहीं तो ये जहाँ पर स्टार मार्क नहीं होगा आप वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और पोस्टल कोड डालेंगे। नीचे आएंगे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करके आप चूज़ करेंगे कि वो बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है, घर में हुआ तो हाउस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन और अदर्स भी है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अदर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में मेंशन करेंगे कि कहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन चूज़ करेंगे तो वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, नेम ऑफ हॉस्पिटल डालेंगे, जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है उसका ही डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। अगर आप यहाँ पर रहते हैं और किसी और जगह में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं और वहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो उस जगह का, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर डालना है।
नेम ऑफ हॉस्पिटल डालेंगे। अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो, अगर घर में पैदा हुआ है तो ये सब कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको एड्रेस लिखना होता है। ग्राम पंचायत ब्लॉक लिखेंगे, इन्फॉर्मेंट्स नेम यहाँ पर डालेंगे, बच्चे का पिता का नाम ही लिख दीजिए और इन्फॉर्मेंट एड्रेस में ही बच्चे का पिता का एड्रेस लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि टाउन ऑफ विलेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ मदर, मतलब कि बच्चे का माँ कहाँ पर रहता है उसका एड्रेस लिखेंगे, फुल एड्रेस। इसके बाद वो टाउन है तो टाउन करेंगे, नहीं तो विलेज। इसके बाद नीचे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और रिलीजन डालेंगे, फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसका फादर क्या पढ़ाई किया है, सेवेंथ है, सिक्स है, टेंथ, प्लस टू, ग्रेजुएट है या फिर पीजी है। मदर का भी डालेंगे, फादर क्या काम करते हैं यहाँ पर डालेंगे, अगर वो काम नहीं करते हैं तो नील डालेंगे। मदर का भी सेम वैसे ही, एज ऑफ मदर इन कम्प्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, बच्चे का माँ का जो शादी हुआ था उस टाइम उसका कितना एज था यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तब उस बच्चे का माँ का एज कितना है यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद 18 नंबर पे यहाँ पर डालेंगे कि अभी तक कितना बच्चा पैदा हुआ है, एक या फिर दो या फिर तीन अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। डिलीवरी क्या हुआ है, नॉर्मल है, सीएस से, फोरसेप से, वैक्यूम यहाँ पर डालेंगे। टाइप ऑफ एटेंशन ऑफ डिलीवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टिक करेंगे, इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट है या फिर इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट या फिर नॉन गवर्नमेंट है, डॉक्टर ने किया है, नर्स या फिर ट्रेन मिडवाइफ ने, ट्रेडिशनल बाथ अटेंडेंट ने किया है या फिर रिलेटिव्स या फिर अदर घर में जो हुआ है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बच्चे जब पैदा हुआ तब उसका वेट कितना था यहाँ पर डालेंगे कि इतना केजी में, और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना वीक का था यहाँ पर डालेंगे। सारे फॉर्म को जैसे आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको कैप्चा देना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, आप यहाँ पर कम्प्लीटली देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने डाला हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर नीचे देखिए, आपको एडिट कैंसिल नहीं करना है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है तो या फिर कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और सब कुछ अगर सही है, आगे बढ़ना है आपको, तो अटैच एनेक्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपको अपने एरिया में अपलोड मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अपलोड मांगा नहीं है, अगर आपके एरिया में या फिर आपके लोकेशन में अपलोड मांगता है, तो जैसे वो आंगनवाड़ी का जो एक फॉर्म होता है, जब बच्चा पैदा हुआ होता है तो आपको एक रिपोर्ट दिया जाता है हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो वो रिपोर्ट को और बच्चे का माता और पिता का दोनों का आधार कार्ड को अटैच करके आपको पीडीएफ बना लेना है, और आधार कार्ड के सेक्शन में या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में भी बच्चे का, पिता का और माता का आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। और आपको जो मिलेगा हॉस्पिटल में जो एक कॉपी, उसको भी आपको अपलोड करना है, तब आपको ये पेज आ जाएगा। मैंने हालांकि अपलोड नहीं किया तब भी ये आ गया है। और वैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी आपको ये काम करना है, मतलब कि आपको किसी के पास नहीं जाना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है या फिर इसको अप्रूव कर दो, उसको अप्रूव कर दो, आपको ऐसा नहीं बोलना है, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होता है। यहाँ पर जैसे हमारा अप्लाई हो गया है, इस कॉपी को अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसे सेव करेंगे और अपने नियरेस्ट कोई भी कंप्यूटर शॉप में जाके प्रिंट आउट करेंगे। और अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और इसको आप अपने फ़ोन में ही पीडीएफ के तौर पर सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा मेरा रसीद का। इसके बाद इसको किसी को नहीं दिखाना है, अगर आपका इमरजेंसी है तो आपको हॉस्पिटल में जाके इसे कराना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, 7-8 दिन का प्रोसेस होता है। सो इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अप्लाई फ्री में कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।